दोस्तों, फ्लिपकार्ट से या अन्य किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से हम जब भी कोई ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो उस सामान के साथ एक पेमेंट इनवॉइस भी आती है जो कि हमें फ्यूचर में हमारे काम आती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो सामान हमें वापस रिटर्न करना हो या अगर वो डैमेज आ जाए तो उसको वापस देना हो, या अगर एक टाइम के बाद वो अगर ख़राब हो जाए और अगर वो वारंटी पीरियड में हो और हमें वो ठीक करवाना हो, तो हमें उस पेमेंट इनवॉइस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामान मंगवाने के बाद जो पेमेंट इनवॉइस है वो हमसे गुम जाती है, तो ऐसे में क्या है, हम उस सामान को वापस रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि बिना पेमेंट इनवॉइस के जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है उस सामान को नहीं लेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट से जो भी हम सामान हमने मंगवाया है उसकी जो पेमेंट इनवॉइस है वो कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री ये लाइन है, इन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको माई ऑर्डर्स में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी सामान ऑर्डर किया हुआ होगा वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक मोबाइल है, इसकी मैं आपको पेमेंट इनवॉइस डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो आपको सामान पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पेमेंट इनवॉइस है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको ओपन करते हैं और ओपन मैं इसको एक ऐप से कर लेता हूँ और ये रही, ये डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए जो पेमेंट इनवॉइस है वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने किसी भी फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट की इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो प्रिंट आउट निकाल कर आप जो है अपना सामान वापस रिटर्न कर सकते हैं या एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी वीडियो आगे फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।